गुड मॉर्निंग बच्चों, हमने 10 टेंस कंप्लीट कर लिए हैं करेक्ट वर्ब के। कल हमने फ्यूचर के कंटिन्यूस पढ़ा और आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो आपके लिए आएगा फ्यूचर परफेक्ट का नियर। तो मेरे हिसाब से फिर मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ वो चीजें, आप हेल्पिंग वर्ब और करेक्ट एडवर्ब है साथ साथ याद करते हुए चले, ताकि आपको करेक्ट वर्ब में कोई दिक्कत नहीं आए और आने वाले जो वीडियो बनेंगे ग्रामेटिकल पोर्शन के उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कंडीशन ये रहेगी आप टेंस को अच्छी तरह से तैयार करते हुए चलेंगे भैया। तो अब हम बात करेंगे, देखो हम पढ़ेंगे आज 11वां टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है कि वो कार्य जो फ्यूचर में ही कंप्लीट हो जाएंगे भैया। ओके, वो सारे टेंस हम पढ़ेंगे। इसकी जो पहचान है वो क्या रहेगी, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। आगे समझे, आर हेल्पिंग वर्ब की यदि हम बात करें तो विल हैव और शैल हैव आ जाएगा। देखो इसमें बी था, अब हैव आ गया, बी की जगह विल हैव और शैल हैव आ गया। मेन वर्ब जो आएगी उसमें आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। आगे समझे, आई और वी आ जाए वहां पर आप शैल हैव लगा दो, ठीक है। अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं इनके अलावा जो भी आएंगे उनके साथ विल हैव लगा दो। और यदि हम एडवर्ब्स की बात करें, इसमें एडवर्ब जो आएगी वो आएगी बाई प्लस फ्यूचर टाइम। बाई प्लस, यहां देख लो, बाई प्लस टाइम, बाई प्लस टाइम लिख दो, या द एंड ऑफ प्लस टाइम आ गया। आगे समझे, टाइम कौन सा आएगा, न तो प्रेजेंट आएगा न पास्ट आएगा। टाइम आपके लिए टाइम क्या रहेगा, टाइम फ्यूचर का आएगा। बाय प्लस, जैसे आप फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब आ जाएगी बाय के साथ, द एंड ऑफ के साथ में फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब आ जाएगी। क्लियर, वही तरीका विल हैव और शैल हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगी, या परफेक्ट आ गया इसलिए थर्ड फॉर्म आ गई। आई भी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल हैव लगेगा और अदर जितने भी सब्जेक्ट बच गए इनके अलावा उनके साथ विल हैव लगा दो। क्या फर्क पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ आ रही है चीजें, हर चीज को आप समझते हुए चलो, आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, आपको समझना है। समझते हुए आप चलेंगे तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डियर ओके, अब हम देखो इसका जो पहला जो सेंटेंस है इसकी बात करें वो किस टाइप का बनेगा, ध्यान दे। देखो नंबर एक, पहला अपना जो सेंटेंस बनेगा सिंपल सेंटेंस में क्या करना है, ध्यान दे, आप इसको अफर्मेटिव लिख दो चाहे सिंपल लिख दो। ये लो, ये सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के साथ में सेल और बिल आ गया, फिर हैव आ गया, फिर थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया और फिर अदर वर्ड आ गया। आगे समझे, अब इसके जो एग्जाम्पल आएंगे देखो वो कैसे बनेंगे, ध्यान देखना, दो प्रकार के, आई कंप्लीट कंप्लीट माई होमवर्क, ठीक है, बाई संडे। ये लो पहला वाक्य देखो। दूसरा सेंटेंस कैसे बनेगा, विने रिसीव हिज लेटर बाई बाई नेक्स्ट ईयर। आगे समझे, अब ध्यान दो, देखो ये कैसे बनेगा, देखो इसमें बाय संडे दिया हुआ ना,
बाय नेक्स्ट दे दिया हुआ, इसका मतलब ये फीचर परफेक्ट हुआ। तो इसमें क्या लगेगा, यहां सेल है आ गया और कंप्लीट का क्या हो गया, कंप्लीटेड। सेल है के साथ में क्या आ गया, कंप्लीट का कंप्लीट। तो डियर हम बात कर रहे थे, देखो हम क्या कह रहे थे, हम बात करेंगे आई, देखा आपने पढ़ा बाय संडे आ गया, बाय नेक्स्ट ईयर आ गया, आई के साथ सेल है आ गया, कंप्लीट का कंप्लीटेड हो गया। आगे समझ में, ऐसे इसमें आ गया विल हैव रिसीव का रिसीव्ड हो गया, ठीक है। आगे समझ में, मेरे हिसाब से सिंपल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें सिंपल के बाद, हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। तो दो नंबर वाला जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा नेगेटिव, ये लो जी ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। पहले आप सेंटेंस को यहां से डिलीट करें। तो देखिए आप, अब आपको क्या करना है, देखो सेल और विल हैव के जस्ट बाद आपको नोट लगाना है, ऐसा न हो जाए कि कहीं आप सेल हैव नोट लगाते विल हैव नोट लगाते, ऐसा नहीं करना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज करना है, सेल नोट है विल नोट है, ओके। तो फर्स्ट है यहां पर बनेगा माय फ्रेंड नॉट गो along with me the end of this month, ये दे दिया। दूसरा सेंटेंस समझो, the farmer not water in his field by next week। ये देखो, देखो पहले आप टेंस को पढ़ो, देखिए समझो, आप आइडेंटिफाई करो द एंड ऑफ दिस मंथ या बाय नेक्स्ट वीक, इट मींस ये फ्यूचर परफेक्ट वर्ड है और नोट के साथ वर्ब भी है, इसलिए नेगेटिव बना रहा है। माय फ्रेंड के साथ क्या आ जाएगा, विल नॉट हैव गो का क्या हो गया, गोन हो गया। ऐसे इसमें भर दो, द फार्मर विल नॉट हैव वाटर क्या कहे हो गया, वाटर्ड। आगे समझ में, तो ये आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस हो गया, समझ आ गया। आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लो और फिर आप इसको कंप्लीट बने, दे फ्रेंड माय फ्रेंड विल नॉट हैव गो टू वे अलोंग विद मी द एंड ऑफ दिस मंथ, मेरा दोस्त इस महीने के अंत तक मेरे साथ नहीं जाएगा या नहीं जा चुका होगा। द फार्मर विल नॉट हैव वाटर्ड इन हिज फील्ड बाय नेक्स्ट वीक, किसान अगले सप्ताह तक अपने खेत में पानी नहीं दे चुका होगा। आगे समझ में, ये हो गया आपका नेगेटिव हो गया। ये लो स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा, अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की, ठीक है। अब आप पहला तरीका, आप यहां से नोट डाओ वही तरीका, सेल और विल को पहले ले आओ, बस आपको सिर्फ क्या करना है, सेल और विल पहले आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, यहां आपको क्या करना है क्वेश्चन मार्क लगा दो। ऐसे आप दूसरे में ले लो, डब्ल्यू एच ओ लगा दिया आपने और ऊपर वाला स्ट्रक्चर एज इट इज ले आओ, सेल और विल, सब्जेक्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ गया और अदर वर्ड आ गया, ठीक है। ये आपका इंट्रोगेटिव के दोनों पैटर्न बन गए। अब एग्जांपल देख लो, पहला है वी ट्राई टू एंटर इनटू द गार्डन ऑफ माई
फ्रेंड बाई बाई मंडे ये लो। दूसरा देखो, सेकेंड है वाही यू बाई यू। लॉस लॉस योर मोबाइल इन लॉस योर मोबाइल बाई 2021 क्वेश्चन मार्क। ध्यान दे तो वाक्य समझो आप, बाय मंडे दे दिया, बाय 2000 देखो नेक्स्ट ईयर दिया, आगे फ्यूचर टाइम दिया, इट मींस ये फ्यूचर परफेक्ट हुआ दिया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, यहाँ सेल आ गया वी के हिसाब से, और यहाँ हैव आ गया, और ट्राई का क्या हो गया, ट्राइड हो गया, और यहाँ वी के हिसाब से विल आ गया, और यहाँ हैव आ गया, और लॉस्ट का क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। तो पढ़े आप इसको देखो, सेल वी हैव ट्राइड टू एंटर इनटू गार्डन ऑफ माय फ्रेंड बाय मंडे, हम सोमवार तक मेरे दोस्त के बगीचे में प्रवेश कर चुके होंगे। क्या हम सोमवार तक मेरे दोस्त के बगीचे में प्रवेश कर चुके होंगे। व्हाई विल यू हैव लॉस्ट योर मोबाइल बाय 2021, तुम अपना मोबाइल 2021 तक क्यों खो चुके होंगे। ये सारे चीज ये आ गया होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई, समझ में आ रहा है। अब बात करें चार नंबर, देखो चार नंबर जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा डियर। तो इसको एग्जांपल दूसरी लिख लो, ठीक है। अब देखो कोई परिवर्तन नहीं करना, ये सेंटेंस काम में आ जाएंगे, आप उस सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, ये लो नोट आ गया और यहाँ हैव आ गया। आगे समझ में, ऐसे इसमें भी सब्जेक्ट के बाद है नोट का यूज करो, ये लो ये नोट आ गया और ये हैव आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट लगाते जाओ, वही तरीका वापस। फॉर एग्जाम्पल अब वाक्य ले लो अगला, जैसे ये कहूं कि आई नॉट रीड एनी बुक, ठीक है, बुक बाई नेक्स्ट ईयर, पहला। दूसरे है इसको ब्रैकेट में ले लो, दूसरा है वाही सी नॉट वासी नॉट टेक हिज मनी द एंड ऑफ दिस ईयर, ये हो गया। तो ध्यान दे दिया, देखो नेक्स्ट ईयर दिया हुआ ना भाई के साथ, ऐसी द एंड ऑफ के साथ में दिस ईयर दिया हुआ है, इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट हुआ नहीं हुआ। अब ये इंट्रोगेटिव आर्टिकल लगा हुआ है, और देखो वर्ब के साथ नोट भी दिया हुआ है, इट मींस इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी है, ठीक है। तो ये सेल आ गया, सेल के साथ नोट आ गया, हैव आ गया, थर्ड फॉर्म रीड हो गई, ऐसे इसमें भर दो, विल आ गया, सी नोट आ गया, हैव आ गया, टेक के साथ टेकन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ भी कल दोबारा बात करेंगे, ओके है?